बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से एक न्यायालय कर्मी की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक नगर की है। बताया जा रहा है कि तेगरा अनुमंडलीय न्यायालय में कार्यरत श्यामा किशोर प्रसाद वर्षों से बेगूसराय के तिलक नगर में किराए के मकान में रहते थे। आज सवेरे किसी कारणवश जब वह बिजली का स्विच दे रहे थे, इसी क्रम में उन्हें करेंट लग गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आज सवेरे उनकी मौत की सूचना के बाद न्यायालय कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में न्यायालय कर्मी सदर अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि मृतक श्यामा किशोर प्रसाद का घर पटना जिला के पंडारक में है। अब पोस्टमार्टम के बाद न्यायालय कर्मी एवं पुलिस उनके परिजनों के आने की प्रतीक्षा में है, जिससे उनके सबको परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। जहाँ तक जानकारी मिली है, ये हमारे स्टाफ से झगड़ा में डिस्प्यूट थे और उनकी मृत्यु जो है वो करंट लगने से हुई है। थाना में हम लोग को अभी जानकारी हुई, जब हम ऑफिस आए उस समय हमको इस बात की जानकारी हुई कि इनकी मृत्यु जो है वो करंट लगने से हुई और इनको थाना लाया गया।